क्लास 8 सिविक्स। मैं आरएस प्रसाद, आज आप लोगों को चैप्टर 5 आवर जुडिशियल सिस्टम कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या है, वाद विवाद के घेरे हैं और रिपोर्ट वर्डर लगा रही है, चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले बाउंड्री इन द फील्ड दिखाया गया है, या कोई फिगर दिखाई दे रही है। सब लोग अपने फील्ड की बाउंड्री बनाते हैं, उसमें ही वाद विवाद खड़े होते हैं और झगड़े चालू हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये असल्ट बिटवीन चैतू एंड राम सिंह इन फील्ड, ये झगड़ा हुआ है उसी विवाद को लेकर के। और जब आपस में लड़ाई हुई है, चोट वगैरह लगती है, तो ये लोग रिपोर्ट के लिए जाते हैं थाने पे, यानी कि पुलिस स्टेशन। सो रिपोर्ट इन पुलिस स्टेशन, अब पुलिस में हो गई, FIR दर्ज कराते हैं यहाँ पर ये लोग। और इसके बाद फिर ये सुनवाई होती है, तो फर्स्ट हियरिंग इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर पहली सुनवाई के लिए यहाँ दिखाई दे रही है, जज बैठा हुआ है और ये वकील अपने क्वेश्चन वगैरह पूछना चालू करते हैं। तो यहाँ पे वही दिखाया हुआ है, क्वेश्चनिंग ऑफ विटनेस, यानी जो गवाह है उससे क्वेश्चन पूछना चालू किया होता है। और इस तरह से करके फिर अपना यहाँ जाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये सब होता है। इस तरह से हमारा जुडिशियल सिस्टम काम करता है। तो ये रियल में क्या है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे आता है हाई कोर्ट, इसके बाद सबसे नीचे है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी एंड सेशन कोर्ट जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि सिविल केसेस होते हैं, दूसरा जो होता है सेशन कोर्ट, क्रिमिनल केसेस आते हैं। सिविल जज होता है क्लास 1 का और सिविल जज उसके नीचे होता है क्लास 2 का। ऐसे ही इसमें सेशन कोर्ट में क्या होता है, मजिस्ट्रेट ग्रेड 1 का होता है, उसके नीचे होता है मजिस्ट्रेट ग्रेड 2 का। और ये सुनवाई यहाँ होती है, आपको दिखाया हुआ ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर का दिखाया हुआ है आपको। चलिए कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एंड द फाइनल अथॉरिटी फॉर जस्टिस। सेशन जज कैन चेंज द जजमेंट डन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी एक्सीडेंट इंसिडेंट इज FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड इज सेटल्ड इन सिविल कोर्ट। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। इन द हाई कोर्ट द क्रिमिनल्स एंड द विटनेस आर नॉट प्रोड्यूस्ड। द केस इज डील्ड एंड Decisions are made on the basis of case file. चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राइट ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला है, एन FIR इज रजिस्टर्ड इन अ पुलिस स्टेशन टू फाइल अ कंप्लेन, सो इट इज ट्रू। चलिए सेकंड देखते हैं, इट इज द लायर्स जॉब टू गिव अ डिसीजन, सो ये फॉल्स है, कभी भी इसका नहीं होता है। थर्ड है, डिसीजन ऑफ सेशन कोर्ट कैन बी चेंज इन द हाई कोर्ट, तो ये आपका ट्रू है, इसके पास अधिकार है चेंज करने का। नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक। चलिए बोलते हैं, फर्स्ट है अरेस्ट is not a punishment, यहां पर punishment आएगा। Second है, the judge can change the decision of the judicial magistrate, तो यहां पर क्या आना है आपका, high या supreme court आएगा यहां पर, you can write high, otherwise supreme court। चलिए आगे ये कुछ स्टोरी से दी हुई है, देखते हैं क्या है ये। अ केस इज हियर इन द तहसीलदार कोर्ट, इफ देयर इज नो फिजिकल असल्ट्स हाउ वुड द केस प्रोसीड, रीड द डिटेल्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं। तो सबसे पहले है, द तहसीलदार गेव अ नेक्स्ट आएगा यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट
फॉर द हियरिंग इन द फर्स्ट फर्स्ट हियरिंग पे ही देते हैं ये, या हियरिंग आई फर्स्ट हियरिंग। डिटेल इंफॉर्मेशन वॉज टेकन फ्रॉम चेटू। द डेट फॉर द सेकेंड हियरिंग वॉज फिक्स्ड 3 मंथ लेटर। एट द सेकेंड हियरिंग द तहसीलदार आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द डिस्प्यूट लैंड। द पटवारी टोल्ड हिम दैट राम सिंह हैड ऑक्यूपाइड अ पोर्शन ऑफ चेटूज लैंड। एट द थर्ड हियरिंग राम सिंह वॉज आस्क्ड टू द पेपर शोइंग द लैंड ही पोजेस्ड। एट द फोर्थ हियरिंग द यहां पर आएगा विटनेस। Witness of both parties presented their evidence. Both lawyers answered the question of the tehsildar. The tehsildar heard both parties, the arguments of the lawyers, and studied the case paper. He found that the disputed land belonged to Chetu. He gave his decision. He wrote that Ram Singh should return the, यहाँ पे पार्ट आ जाएगा बच्चों, रिटर्न द पार्ट लैंड टू चेतू एंड पे 5,000 रुपीज 5,000 टू चेतू एज कंपनसेशन एंड रुपीज 500 टुवर्ड्स द एक्सपेंस ऑफ द कोर्ट। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन लायर एंड जज। लायर और जज के बीच में डिफरेंस बताना है, तो आंसर देखते हैं लायर क्या है यहाँ पे। द लायर कीप द लीगल मैटर्स ऑफ क्राइम इन फ्रंट ऑफ द जज एंड गिव हिज लीडिंग एंड गेट्स द क्रिमिनल पनिश्ड। जज और मजिस्ट्रेट ही हियर द लीडिंग ऑफ द advocate belonging to both the parties and through proper examination of the witness and paper gives his decision and release the person who is not guilty. Next है difference between arrest and punishment. So answer है arrest, the police arrest the culprit or suspect to interrogate him to represent it in court. Arrest is not a punishment. Punishment क्या है देखो, after arresting by police, its statement is taken and suspect is represented in court. And if it's proved, then punishment in the form of prison, jail is given by judge in the court. नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सस्पेक्ट एंड प्रिजनर। सो आंसर है सस्पेक्ट, व्हेन अ पर्सन डज एनी क्राइम ही इज नोन एज विक्टिम। द क्राइम कैन कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ पीस, थेफ्ट, डेकोइट, मर्डर एक्सेट्रा। प्रिजनर, व्हेन द विक्टिम इज गिवन पनिशमेंट बाय द जज and put behind the bar is called criminal. Next question है, write the work of the following. तो सबसे पहले है lawyer, second number पे magistrate and third number पे है police. इनके work लिखने हैं, क्या क्या इनके work हैं. तो सबसे पहले हम lawyer का work करते हैं. Lawyer. The lawyer keep the legal matters of crime in front of the judge and give his pleadings and gets the criminal punished. Judge or magistrate kya hai? He hear the pleading of the advocates belonging to both the parties and through proper examination of the witness and papers gives his decision and release the person who is not guilty. Number third है पुलिस। पुलिस का काम क्या होता है देखते हैं।
पुलिस चेक द एफआईआर एंड डज हिज प्रोसीडिंग द एफआईआर कंसिस्ट ऑफ विक्टिम नेम प्लेस टाइम विटनेस नेम एक्सेट्रा. द एग्जामिनेशन इज डन ऑन द अबव इंफॉर्मेशन इन एफआईआर. द पुलिस कैन नॉट गिव पनिशमेंट टू द विक्टिम और क्रिमिनल. व्हाई डू वी नीड कोर्ट, क्यों जरूरत पड़ती है हमें कोर्ट की. इन ऑर्डर टू सेटल एनी क्राइम वेदर क्रिमिनल और सिविल वी रिक्वायर्ड द कोर्ट लीगल सिस्टम. नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिविल केसेस एंड अ क्रिमिनल केसेस. सो आंसर है, सिविल केसेस एनी केस रिगार्डिंग लैंड डिस्प्यूट, लेबर डिस्प्यूट विद मैनेजमेंट एक्सेट्रा और सिविल केसेस. क्रिमिनल केसेस एनी केसेस इन्वॉल्विंग क्राइम हार्मिंग द पीस ऑफ सोसाइटी इन क्रिमिनल केस, दैट इज थेफ्ट, मर्डर, डेकोइड फाइट एक्सेट्रा. नेक्स्ट है, व्हाई डू हियरिंग टेक प्लेस सो ऑफन इन द कोर्ट. सो आंसर है, इन ऑर्डर टू गेट इनटू द रूट्स ऑफ एनी क्रिमिनल मैटर एंड गेट प्रॉपर जजमेंट, अपील्स आर मेड अगेन एंड अगेन इन कोर्ट्स. इसी के साथ लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों. नीचे ये लाल रंग का बटन है, इसे जरूर दबाकर सब्सक्राइब करें. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके. और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके. मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स. इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ. मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे.